जी और सब कैसे हैं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं जा रही हूँ एक कुकुट, क्या कहते हैं जी उसको, कुकुट कुकुट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पोल्ट्री रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहाँ जैसे कुकुट कुकुट मुर्गी पालन कैसे करते हैं, क्या क्या उसको चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे उसको सेटअप करते हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो सीधा चलते हैं हम, अभी क्या बताया नाम, उस मुर्गा लेके आती हूँ, मुर्गा तुम्हारे साथ खेलने के लिए, मुर्गी फार्म में जा रही हूँ लेके आती हूँ। सारी नर्सरीज हैं, जिसने किसी ने चंडीगढ़ में घरों में पौधे लगाने के लिए लेने हो तो ये बेस्ट नर्सरीज हैं। प्राइस भी ठीक ठाक है लेकिन उतना सस्ता भी नहीं है, तो ये एक साथ ही है कई सारी नर्सरीज। और बाकी तो ये ग्रीन एरिया शुरू हो गया है चंडीगढ़ का, ये चंडीगढ़ के फेफड़े हैं जो ताजा हवा, फेफड़े लोग तो लेते हैं ताजा हवा। हाँ तो फेफड़े ही है। अच्छा, ये दोनों तरफ फेफड़े हैं। ये एक इस तरफ है, एक इस तरफ जंगल है ये पूरा, ये ताजा हवा देते हैं, लेते तो हम है फेफड़ों। अभी हम पहुंच गए हैं अपना सीपीडीओ और ये हमें आज पूरी जानकारी देंगे मुर्गी पालन के बारे में। ये इनका गेट आ गया है, तो आज हम पूरी जानकारी लेके जाएंगे भी जिसने किसी ने मुर्गी पालन करना हो और जिसने हैचरी भी बोलते हैं ना इसको, हैचरी का प्लांट खोलना हो तो उसको क्या क्या चीजें चाहिए, और ऊपर से पानी की बौछारें कहाँ से आई है, राइट ले लो राइट। ये कितना बड़ा अंडा बना रखा है, सिंबल है इनका, ये देखो ये बहुत सुंदर बना रखा है, पूरा इंफॉर्मेशन सेंटर है। यस, अच्छा स्ट्रेट से स्ट्रेट ये मुर्गे रखे हुए। अच्छा, ये आ भी गए हैं, तरह तरह की अलग अलग किस्मों के मुर्गी रखी हुई है इन्होंने। अभी हम चल रहे हैं इनका विजिट करने के लिए और ये है जी सैंपल, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर लगा रखे हैं इन्होंने। चाबरो ये सारी किस्में हैं यहाँ? अच्छा सब सब है ये। इस साइड में देखो आप डाइवर्सिफिकेशन, इधर भी है ये क्वेल बोल कुकुट कुकुट करके कुकुट है कुकुट, आम पब्लिक नहीं समझती ना कुकुट। अच्छा ये चीज भी है क्वेल सबसे। हाँ अच्छा, 1300-1400 पर केजी इसके रेट। अच्छा जो बॉडी बिल्डर जो तितर की तरह लग रहा है ये कुछ कुछ है। अच्छा वो ही है ये। अच्छा अच्छा, अभी तो इसका शिकार भी बंद है। ये हो गए, ये हो गए, तितर को बोलते हैं पार्टरीज। हाँ अभी हम चल रहे हैं विजिट पे, सबसे पहले क्या दिखाएंगे?
करते हैं मुस्टर शरीफ लाइन जो आप अच्छा देखिए आपके वहाँ ये सब रेड कॉर्निस और सीजनल लेयर होता है ये अच्छा। थोड़ा अनयूजुअल एक्टिविटी में मतलब जो होएगा तो ये साउंड साउंड क्रिएट करेगा अच्छा ये हमारे घर में भी है चार अच्छा ये क्या गिन्नी गिन्नी फाउल अच्छा बच्चे भी दे कर देते हैं ये अच्छा ये है गिन्नी फाउल यस अफ्रीका का गेम बर्ड है ये आगे है वनराज अंडा होगा आप देखो ना खाने के लिए कैसे कितने मोटे ताजे हैं फीडर है वो दिन कर पानी पानी का और ये सारा सिस्टम अच्छी बोलते है तो ये आम मार्केट में बिकते हैं नॉर्मल उसमें नहीं मिलेगा लोग रख लेते हैं अच्छा ये देसी जिसको कहते हैं गांव में अपने यूज के लिए रखा हाँ अपने पर्सनल सर ये इसमें फिनोटिपिकली पता लग जाता है वाइट स्पॉट ज्यादा है और फिनोटिपिकली पता लग जाएगा कि वाइट स्पॉट ज्यादा है वो मेल है ब्लैक स्पॉट जो है फीमेल है हेलो 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 करने के लिए आए ब्लैक डॉट्स फीमेल है वाइट डॉट्स जो है मेल ये है तो देखने के लिए अच्छा अच्छा हाँ जिसने बाहर ही दिखा लेते हैं जिनको चाहिए ये ब्लैक प्लाइमाउथ रॉक है ये भी मीट गिनी वैरायटी है इनके जो एग्स हैं 140-150 अराउंड एग्स हैं लेइंग कर रही हैं अभी अच्छा 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 ये बना दिए हैं ये आगे है इनका कॉम बेटल जो ब्लैक कलर हाँ जी और बाकी ब्लैक ये उससे अलग है वो व्हाइट लेग होना है जो हम बाहर देखते हैं फर्क है इसके जो ये पिना है ना ये रेड है जो कान के नीचे लटक रहा है अच्छा ये रेड है उसका व्हाइट मिलेगा ये वेट गेन वैरायटी है ये तो मोटे मोटे हैं सारे ये अलग वैरायटी आ गई रेड कॉर्निस ये थोड़ा फॉन कलर रहता है लाइट ब्राउन कलर है जी और इसका भी मेल यूज करते हैं क्रॉसिंग के लिए अच्छा और ये भी वेट गेनिंग वैरायटी है अंडा इसका 180 रहता है अराउंड और ब्लैक यार्ड में बहुत कॉमन है इंग्लिश वैरायटी है बोलेंगे इसको लेमन लैंग्वेज में और लेयर वैरायटी आ रही है रोड एलन रेड हल्की मुर्गी है अंडा कितने ज्यादा है 240 एग्स इसका अच्छा और ये चॉकलेट ब्राउन कलर है उसका फॉन ब्राउन हाँ जी हाँ जी इसका अलग है थोड़ा बाल भी बड़े चमक रहे हैं ग्रीन बॉडी रहेगी लेयर वैरायटी है जो लेयर वैरायटी ज्यादा है वो उसमें बॉडी हल्की रहेगी अंडे हाँ जी हाँ जी नहीं नहीं व्हाइट एग्स आता है मार्केट में व्हाइट लेगोन ये भी मेडिटेरियन वैरायटी है या उस व्हाइट से अलग है इसका जो ईयर का व्हाइट है हाँ जी हमने देखा था रेड था हाँ जी इसकी ईयर बिना जो है जो वो व्हाइट कलर है इसके पीछे ये हम टेबल पर होते हैं थोड़ा सेंसिटिव रहता है इसका एग्स ज्यादा है 300 एग्स अच्छा 320 एग्स साल का ओके चेस्ट देखो इसकी कैसे फुला रखी है ये जो मुर्गा लड़ाते है वही मुर्गी तेल का जो डिमार्केशन इसके ये है कड़कनाथ ये तो बिल्कुल ही कमजोर कड़कनाथ है नाम ही नाम कड़कनाथ है इनका तो ये मतलब हार्डी बहुत है साइज छोटे रहेंगे इनका वजन ही 1300 ग्राम आएगा कहीं भी रख दो इनका मैक्सिमम वेट ही 1.3 केजी आएगा हार्डी बर्ड है और ये क्रो टाइप भी देखेंगे छोटा ही होता है नाम ही नाम सुनेगा कड़कनाथ इसमें प्रोटीन ज्यादा है इम्पोर्टेंट जो अमीनो एसिड्स काफी ज्यादा अच्छे हैं इसमें और फैट बहुत कम है इसमें लीन मीट है इसका सभी में कोलेस्ट्रॉल हाई है इसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल है ये न्यूट्रिटी वैल्यू बहुत इसकी
अच्छी है और इसका अंडा 80 आता है। इनका क्या खून भी काला होता है? थोड़ा ब्लैक होता है क्योंकि मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होता है। पिगमेंटेशन ज्यादा होती है ना तो ब्लैक रिंग ज्यादा होती है, इनके स्किन के नीचे तक ब्लैक चले जाता है तो वो ब्लड भी डार्क कलर हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। कड़कनाथ को आज मैंने तो पहली बार देखा है रूबरू। हाँ, ये हार्डी बटर की बीमारी कुछ नहीं लगती और खोल देंगे तो ऊपर इवन ट्रीज पे भी चले जाता है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, उड़ सकता है मतलब लेके पहुँच जाता है। इनको सब कुछ काला है, कलगी भी, पैर भी, चोंच कैसी है? चोंच भी काली है। हाँ, अंडा आएगा वो छोटे साइज का रहता है। अच्छा ठीक है, अभी हम इनका अंडा देखते हैं कड़कनाथ जी का। फैट एक्सट्रैक्शन करते थे पीछे से यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, जो ऑयल निकलता है हाँ जी, वो स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते थे, वो विद इन 2 सेकंड्स स्किन के अंदर चला जाता है। अच्छा, तो वो मेडिसिन में ज्यादा यूज होता है। ओके। अब ये मेल रह गया है। अच्छा। तो इसका ये ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, ये इसका यहाँ पर लोगों को एक्सट्रैक्शन करना नहीं आया, वो मेथोडोलॉजी नहीं आई। अच्छा अच्छा, चला नहीं प्रोजेक्ट ज्यादा। तो ये अभी एक ही है, वो फीमेल कहाँ चली गई? फीमेल नहीं है इसमें, वो सारी वो मोस्टली या तो हमने जू में चली गई थी ऑप्शन कर दी थी। तो ये इनकी एज 50-60 ईयर तक चलती है, अभी 25 ईयर के अराउंड है। किस पर्पज से रखे? मीट के लिए तो नहीं रखते होंगे इसको। अंडा भी बड़ा होता है। हमारी तरफ भी है ना, सिरसा की तरफ भी कईयों ने फार्म खोले थे लेकिन वो बंद हो गए, तो इसी वजह से फिर वो बंद हो गए कि उनकी। हाँ जी हाँ जी, तो उसमें फिर वो मार्केटिंग नहीं थी, मार्केटिंग नहीं कर पाएगी। हाँ, मार्केटिंग नहीं है तो फिर अदरवाइज इसका फार्मा कंपनी ज्यादा यूज करती है। अच्छा 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 अच्छा, ये है बटेर। बटेर अब ये लेइंग पे है सारे, इनका अंडा आ रहा है। इसमें व्हाइट बटेर है, ग्रे है और ब्राउन है। और इसका जो है अंडा भी हार्ड शेल होता है, गर्म अंडा होता है। इनका भी बहुत डिमांड है इसकी हमारे पास। ये पानी रखा हुआ है, ये इनका पानी है और मोमेंटन सोसाइटी में ज्यादा डिमांड है। वो तो एक से ना, क्योंकि इसमें एक तो है इसके वो है। अच्छा, ऐसे कबूतर की तरह अंडे है इनके छोटे छोटे। और इसका हम ये जो है इसको कोई बीमारी नहीं लगती, इसकी इसको कोई बीमारी नहीं लगती। अच्छा। कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं इसके अंदर। अच्छा। कोई जरूरत नहीं है। ओके। 6 हफ्ते में तैयार हो जाता है ये। अच्छा, और यही अपने बच्चे भी बड़े कर लेते हैं? बड़े कर लेते हैं, पीछे ब्रूडिंग करा के हम। अच्छा। ये अंडे लेंगे, मशीन में लगाएंगे, निकालेंगे 18 दिन में, उनको फिर हैच करेंगे। अच्छा, मशीन। हाँ जी, जहाँ पे हम अंडे से बच्चे को निकालते हैं ना। ओके। उनको बच्चे को। हाँ जी। और ये है सारे ब्रीडिंग सेंटर। दूर दूर से आते हो आप? कहाँ कहाँ से आते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तकरीबन वही के हैं। इट्स अ पार्ट्स ऑफ करिकुलम डिग्री का, जैसे मेडिकल हॉस्पिटल में इसकी ड्यूटी लगती है अलग अलग। अभी हम हैचरी के बारे में जानकारी ले लें। अच्छा, पहले इसमें पैर रखने हैं। अच्छा, ये क्या चीज है? ये मैम लाइफस्टोन पाउडर है। पोल्ट्री फार्म में आप कहीं भी एंट्री करते हैं ना तो आपके पैरों में जर्म्स जाते हैं। अच्छा। और आपके थ्रू जर्म्स आते हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए इसका हम चूना डाल सकते हैं यहाँ पे, तो इसके माइक्रोबियल लोड जो है आपका कम हो जाएगा। अच्छा, आप जैसे आईसीयू में जाते हो मैम है ना, तो आपको चप्पलें वगैरह डांगरी पहनवाते हैं, तो वैसे ही पोल्ट्री फार्म में बायोसिक्योरिटी इसमें से होके चलना पड़ेगा। कोच कनेक्टिव भी है, इजीली मिल जाता है। अच्छा हाँ जी, ये चीजें हैं मैम। इन्फेक्शन ना हो जाए इस वजह, आपको भी ना हो, उनको भी ना हो, क्योंकि पोल्ट्री बड़ी सेंसिटिव होती है। हाँ जी, बच्चे वो तो है। हम भी पहन लेते हैं फिर ये। हाँ जी मैम, आपके लिए जूते वाले भी दे दो फिर हमें, जूते वाले।
मैम बैठ के कर लो, ये सिरका भी नहीं, बैठ के कर लो, बैठ के कर लो, बैठ के कर लो, दिक्कत आएगी ऐसे में गिर जाओगे। ये अंदर प्रवेश हो गए हम, अभी निकाल। अच्छा महिंद्रा आ जाओ ये। अच्छा लाइट नहीं रखते क्या अंदर? जो आप वहाँ देख रहे थे, ये वो बॉर्डर का बच्चा है, देखो जो आप देखो, बड़े एक्टिव लग रहा खाने को। अच्छा खाने के लिए मांग रहे हैं, अभी निकले हैं ना मैं मंडल से, तो अभी ये ट्रांसफर। तो इनको कितनी देर में खाने को देते हैं? इनको 48 आवर्स तक हम ऐसे भूखा रख सकते हैं, बिकॉज 48-72 आवर्स तक बुक्स बोलती हैं। अच्छा, लेकिन हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं इनको बक्से में, अगर उसके पहले हम खाना देते हैं। अभी ये कल जो है यूपी जाने हैं ये, ठीक है, तो अभी ऐसे ही जाएंगे विदाउट पानी। अगर गर्मी है जैसा, तो हम इसमें एक तरबूज या खरबूजा का अच्छे में डाल देते हैं, सो दैट की डिहाइड्रेशन ना हो, वो अपने आप खाते रहेंगे, उससे पानी भी मिल जाएगा और थोड़ी ठंडी मिल जाती है। तो ये सारे आपको अलग अलग ब्रीज का इसको पूरा पैक कर देते हैं, 6 दिन लिए हैं सांस लेने के लिए। ब्रीड देखिए ना, नहीं ये उनके बच्चे हैं, ये जैसे आरसी का बच्चा है, रेड कॉर्नी जो आपने बड़ा मुर्गा देखा था ना, फिर उसका डे हो सर, अभी निकले हैं आरसी का है। ये बॉर्डरों के बच्चे हैं, तो कहाँ से निकाल के लाए ये? अंडों से सर, बताता हूँ चीजें सारा, ये हैचरी है सर, यहाँ पे हम अंडों से बच्चा निकालते हैं, जैसे आईवीएफ है ना, वैसा ही आईवीएफ है। अच्छा, इनका आईवीएफ है वो, मतलब देते हैं फिर बच्चे निकालते हैं। हेलो, वो ये तो बहुत ही छोटा है, जीरो डे का, एक दिन का है, एक दिन का ही है, आज ही निकला है। अच्छा, इन्फेक्शन तो पर्सनल भी लोग आके ले जाते हैं? पर्सनल भी लेके जाते हैं। अच्छा, वो अपने जैसे इन्होंने हैजरी फार्म है तो उसमें बड़े करने लेके जाओ कल, हाँ तो हमारे सेल काउंटर से मिलता है। अच्छा, यहाँ मिल जाएगा हमें, लेकिन हमारे डॉगी है वो इनको खा तो नहीं, अगर दोस्ती कर ले तो ठीक है, थोड़े बड़े ले जाओ फिर ठीक कर लेना, कर लेते हैं, कर लेते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, ले जाओ, सीन ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बड़े ले जाओगे फिर वो कर लेते हैं, बाकी अगर आप, हाँ कर लेते हैं दोस्त, ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले हैं अगर सुबह, तो फिर हम वो जगह देखेंगे जहाँ अंडे से बच्चे बनते हैं। हाँ जी, स्टार्टिंग से बताता हूं, स्टार्टिंग से सबसे पहले तो डॉक्टर विनीत अभी आपको ब्रीडिंग सेक्शन दिखाएंगे, वहाँ हमने मुर्गा मुर्गी इकट्ठे रखे हुए हैं, ग्रेशो मानेशो टेन, वो बताएंगे, ठीक है, तो रेंडमली मेटिंग होगी, उससे हमने अंडे कलेक्ट करके उन्होंने हमें हैचरी में दे देने हैं, ठीक है मैम, उसके बाद हमने उनको स्टोरेज में एसी में स्टोर कर लेना है 7 डेज के लिए, कि अगर मान लो हमने, आपने हमसे मांगे सर 5,000 चूजे और मेरे पास 1,000 अंडा डेली का आ रहा है, तो मैं 5,000 अंडा इकट्ठा करूँगा सर, तो उसको इकट्ठा करके मैं एसी वाले कमरे में रख दूंगा 59-63 डिग्री फारेनहाइट में, ताकि उसको वो अंडे खराब ना हो। फिर उसके बाद सर हम अंडों को एक ट्रेज में लगा के ये मशीन में लगा देते हैं, इसको बोलते हैं सेटर, ठीक है सर, आप इसमें देखो सर, इसमें देखो, इसमें दो टेम्परेचर थर्मोमीटर लगे हुए हैं, एक सर है ड्राई, एक है वेट। ड्राई से सर हम देखते हैं तापमान, जो हमारा कमरे का तापमान कितना है, मतलब अंदर का, इसका टेम्परेचर होना चाहिए 99.5-99.9 डिग्री फारेनहाइट। और एक आप वेट देख रहे हो, उसमें हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है, तो वो 85-87 डिग्री फारेनहाइट हम नापते हैं, होनी चाहिए। हाँ, और इसके अलावा जो अभी सर डॉक्टर भारती भी बात कर रहे थे, कि जो हाई अल्टीट्यूड पे दिक्कत आती है, वो आती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी है, इनको 21% ऑक्सीजन चाहिए मशीन के अंदर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर में 21% ऑक्सीजन है, वहाँ ऑक्सीजन कम रहती है और थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से उनकी हैचिबिलिटी कम आती है। बाकी इसके अलावा हर एक घंटे में ना डरने करके एक मिनट मैम, हर एक घंटे में ना मैम ये ऐसी टर्निंग होगी, देखना अच्छा, अंदर की वीडियो बनाना। अच्छा, ये मशीन ऐसे ना, ये ऐसे पूरी एक टर्न होगी 45 डिग्री पे। ओके, हाँ धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि
आप देखोगे नेचुरली मुर्गी तो हिलती डुलती है ना, 21 दिन में बच्चा आता है इनका, लेकिन अब मशीन में तो हिलती डुलती रहेगी नहीं अगर हम ये नहीं करेंगे, और बच्चा वही सूख के मर जाएगा, तो इसलिए 18 दिन तक ये टर्निंग जरूरी है। ऐसे घुमाते हैं। अच्छा 18 दिन तक ये घूमती रहेगी? 18 दिन तक मैम हर एक घंटे में अपने आप ये अपने आप टर्निंग होगी, एक घंटे में एक बार, 24 घंटे में 24 बार ऑटोमेटिकली है, ठीक है मैम। उसके बाद 18 दिन बाद हमने इन अंडों को निकाल के इनकी कैंडलिंग कर लेनी है, इनको रोशनी में से पास करना है, जिसमें से रोशनी पास हो जाएगी वो लाल हो जाएंगे, दैट मीन्स कि इनमें बच्चा नहीं है या फिर अर्ली मर गया वो। अच्छा। बाकी अंडे जो बच गए हमने मैम वो ट्रेस में डाल के ना अब उधर मशीन में डालना है। अच्छा। आम जो पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं वो भी यही मशीन रखनी पड़ती है उनको? मशीन ही रखनी है उनको मैम, वो बच्चे ले आते हैं हैचरी वालों से। अच्छा, सीधा बच्चे ले। फार्म का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मैम कि हमारे पास पहले तो फार्म होगा, लोकेशन होगी, फिर उसके बाद हमारे पास बच्चा होना चाहिए, वो बच्चा हम कहीं से प्रोक्योर करेंगे लेंगे, वो बड़ा कर लेंगे, वो हैचरी से लाएंगे, डे ओल्ड बच्चे लेके आए थे 99 को खाना देते हैं 24 दिन में बड़े। अच्छा, उस मशीन को यहाँ ले आते हैं? वो अंडों को इधर ले आते हैं, अभी स्मेल ही रहेगा, अंडे ले आते हैं क्योंकि आज ही बच्चे निकले हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, तो थोड़ा इन्फेक्टेड है इनका, तो ये मशीन से आप इसमें डाल देते हैं ये वाली ड्रेस में। अच्छा, वो अंडे फिर आखिरी 3 दिन में ये मशीन में रहेंगे ये अंडे। अच्छा। इन वाली ड्रेस में सारा कुछ सेम है सर, बस इसमें 3 दिन टर्निंग नहीं होगी, वो जो अभी दिखाई है क्योंकि अब बच्चा ऑलमोस्ट बन गया है, बस उसने बाहर आना है। 21वें दिन पे जो बच्चा अपने बाहर आ गया वो आ गया नेचर, तो वो अंडा अपने आप फोड़ लेते हैं? अपने फोड़ेंगे मैम। अच्छा। अपने तोड़ेंगे वो। अच्छा। मुर्गी नहीं करनी हमने, नहीं तोड़ना। अच्छा। उसके बाद जो बच्चे निकल गए हमने वो ग्रेडिंग करके हमने आपको जो दिखाए। हाँ, वो यही निकल जाते हैं, यही निकलेगी सर मशीन में अपने आप। अच्छा अच्छा, अगर आप सर दोपहर में आते तो आपको मशीन वाले दिखाते हैं, फिर इकट्ठा कर लेते हैं ना फिर उसको। उसके बाद मैम हमने आपने देखा वो छेद वाले डब्बे जो आपने सर देखा, उसमें ऑक्सीजन वेंटिलेशन के लिए वो छेद वाले हैं, कोरुगेटेड बॉक्सेस हैं, उसमें हम ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। सिर्फ उनको डे वर्ल्ड पे हम इसकी वैक्सीन करते हैं, मैरिक डिजीज वैक्सीन, तो उसकी गर्दन में लगती है। अभी वैक्सीन लगाएंगे? हाँ, लगी सर। और जो बच जाते हैं वो फिर आप पालते हैं? हम अपने फार्म में रख लेते हैं। अच्छा, तो आपका फार्म भी है यहाँ? हाँ जी मैम, दिखाते हैं। अच्छा, वो एक ही चूजे को लगाने लगती है स्टोर में। अच्छा, ये एग स्टोर है? ये बटेर के अंडे, क्वेल्स के एग हैं, ये बटेर के अंडे हैं, ठीक है मैम। ये जो आपने गिनी फॉल देखा था बाहर, जो आप कह रहे थे आपके अंडे देते, ये गिनी फॉल का अंडा मैम। अच्छा, छोटा होता है? हाँ, ये छोटा रहेगा क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है, पर इसका जो छिलका बड़ा हार्ड रहता है मैम। अच्छा। और ये व्हाइट लेग हॉर्न के अंडे हैं। अच्छा, ठीक है मैम। ये डक के अंडे हैं? ये डक के, ये होते वाइट है, लेकिन इसका और इसका देखो आपको फर्क दिख रहा है? अच्छा, हाँ फर्क है ना, ये ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है। क्या मैम? और ये किसका है? ये भी एग है? ये डिफेक्टिव अंडे है, ये मिशेपन हो गया ना, रफ सा अंडा है। अब जैसे एक रैक अंडे है, अब इनको हम हैचरी में ले तो आए, अब हम सरकारी है तो हम ये फेंक नहीं सकते इनको फिर भी। अच्छा, ये हम सेल कर देते हैं मैम। अच्छा, एग जो है प्रोटीन का सोर्स है। हाँ हाँ, अभी ये टूटा भी है जाए। हाँ, इसको तोड़ के भुर्जी बना लेंगे। हाँ, खराब नहीं होते टूटे हुए? कितने देर तक? देखो ना, एसी में रखे हुए हैं, एक तरह का फ्रीजर है ये। अच्छा, ये देखो आप अंडा देखो ठंडा है। हाँ, ठंडा तो है एसी में, तो खराब नहीं होगा, जैसे हम फ्रिज में रख लेते हैं सब्जियां। हाँ जी, ये सब ऐसा है। जैसे आपने कड़कनाथ देखा था? हाँ जी, कड़कनाथ का एक चल रहा है कि बाहर लोग ना कहीं बोलते हैं कि भाई इसका ब्लैक अंडा आता है। अच्छा, वो एक मिथ है, ब्लैक नहीं है अंडा, यही है बस साइज छोटा। अच्छा, बस इसका साइज छोटा रहता है। ये कलर होगा उसका? कलर यही होगा, ब्राउनी। ये सारे कड़कनाथ के हैं? सारे कड़कनाथ के हैं। एक ये बताओ कि ये सर शेड नंबर लिखा हुआ है B8 से आया कड़कनाथ। अब जैसे B8 है, देखो आप B8 में कड़कनाथ लिखा है, ये B8 लिखा है, ये मार्किंग है, नहीं तो मिक्स हो जाएंगे ना सर। आप हमसे कड़कनाथ मांगो, हम आपको कुछ और दे दें, तो ये ऑलरेडी बुक्ड रहते हैं आपके, पहले बुकिंग करके आती रहती है। हाँ जी सर, एक ये बताओ कि नॉर्मल अंडा जैसे हम बाजार से लाते हैं कितने दिन तक फ्रेश रहता है? फ्रेश तो मैम 7 to 8 days, मतलब बहुत डिपेंड करता है मैम सीजन। अच्छा, नहीं मान लो हमने फ्रिज में रख दिया, कोई कहता है फ्रिज वाले अंडे मत खाओ। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, आप मार्केट में अंडे ले रहे हो ना, आपको पता ही नहीं होगा वो कितने दिन पहले से स्टोर होके आए। बिल्कुल, अगर वो स्टोर्ड अंडे है आप उनको ज्यादा देर नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो पहले 2-2 महीने स्टोरेज में स्टोर होके आए। तो इसलिए हम जो ये अंडे है हमारे 7 to 10 days हम ये रिकमेंड करते हैं कि फ्रिज में रख के खाओ, क्योंकि ये फर्टाइल है। वो भी आप 7 to 14 days में कंज्यूम कर लो तो ठीक है वो। अच्छा, उससे ज्यादा अगर है तो मतलब नहीं खाना चाहिए? खा तो सकते हो मैम, खराब होना शुरू, पर जैसे महीना हो गया 2 महीने ऐसे नहीं ज्यादा, क्योंकि क्या ना अंडा एक कम्प्लीट
कोई बात नहीं लेना है। हाँ जी, बैक्टीरिया जल्दी आ जाता है। अच्छा, एक बार बैक्टीरिया लग गया तो जल्दी फिर बदबू फैल जाती है। अभी हम जा रहे हैं फार्म में, जहाँ यहीं पर ही रोकना है ना। अच्छा, यही है और क्या? वही नेस्ट बॉक्स है, मुर्गी जैसे अंडा देना होगा तो उसमें जाके अंडा देती है नेस्ट बॉक्स में। अच्छा, जो बैठी है ऊपर, जो है उसमें अंडा देती है, क्योंकि वो शांत ऐसा प्लेस ढूंढती है ना अंडा देने के लिए। तो ये है सिस्टम। बाकी ऑटोमेटिक फीडिंग थोड़ा चला के लाइन में लग गई है, ये आ गए खाने का। सोते हैं सर, मुर्गी उसमें जाके अंडा देती है, जैसे घोंसले में देने की आदत होती है ना, सेकने के लिए भी ढूंढती है। उधर पुराने डिजाइन का है। अच्छा, वो न्यू है, मतलब कभी भी अंडा जो देगी वो शांत जगह देती है कि मैं सेकू उसको जाके। अंडे तो उठा लेते हैं, मौका नहीं मिलता। फैंस लगा रखे हैं सर गर्मी के दिनों में, जो है थोड़ी इनको हवा। बाकी ये सेट का जो डायमेंशन होता है आप देख सकते हैं, दो तिहाई जाली होती है, एक तिहाई पक्की दीवार होती है, और ये सेंटर हाइट 14 से 13 से 14 फीट होती है, और फ्लैट हाइट इसकी 8 फीट होती है। और जो ये मतलब वेंटिलेशन के लिए ऐसा रखा गया है, बाकी पंखे लगा रखे हैं। तो ये जाली का भाग 2/3 होता है 8 फीट में से, मतलब 4-5 फीट जाली का भाग। आजकल प्लग एंड प्ले मॉडल आ रहा है, आप उसको फिट कर सकते हैं, जब मर्जी उसको खोल सकते हैं। वो मॉडल पे अब चल रहा है, ये बहुत पुराने 1970-70 के। और खाने में क्या फीड होता है इनका? खाने में जो फीड होता है मैडम, वो 5-6 आइटम मिला के नीचे फीड मिल में बनाते हैं। मक्की, सोयाबीन, फल, राइस ब्रान, राइस पॉलिश, ये 5-6 आइटम नमक मिला के इनकी प्रिपेयर्ड मैस फीड बनाते हैं, जिससे कि अंडा अंडा स्वस्थ होते हैं, हम भी खा सके ऐसा नहीं। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट के टाइम का है, बिफोर जब कॉमन राजधानी होती थी चंडीगढ़, हरियाणा पंजाब की, तो पंजाब ही हुआ करता था ये शहर। हम आ गए हैं इनकी फीड प्रोसेसिंग यूनिट में, तो यहाँ देखते हैं कि क्या फीड बनाते हैं या क्या। हाँ जी, बना यही बनता है इनका। अच्छा अच्छा, घर में बना दो, घर में। ओके, और जाना हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। अच्छा, ये स्टोरेज एरिया है सारा, फीड बनाते हैं हम टेंडर के थ्रू, हम रॉ कच्चा माल लेते हैं, रॉ मक्की है, इसमें सोयाबीन है, ग्वार कोरमा है, और इसमें राइस पॉलिश डीवार भी, तो ये सारा हमारा स्टोरेज एरिया में सब रखा हुआ है, और ये हमारा वर्किंग एरिया है सर। अच्छा, यहाँ बना, ये 1 टन फीड बनती है 45 मिनट्स में, 1000 केजी। तो इसमें ये ग्राइंडर है पूरा, बड़ी चक्की एक तरह से, डबल पावर मोटर्स की है, ब्लेड्स यहाँ पे हमारे ब्लेड लगे हुए हैं, यहाँ से ग्राइंडर अंडा जाता है ग्राइंडिंग के लिए, फुल लिफ्ट होकर ऊपर गिरता है इसमें, फिर ग्राइंडिंग होती है, मोटा दाना पीसता है, सीव के हिसाब से जाली लगी होती है, फिर ये इधर पाउडर फॉर्म में ऊपर जाएगा, फिर मिक्सर वन में गिरेगा, और मिक्सर वन में हम फिर मेडिसिन वगैरह कुछ भी जो पाउडर फॉर्म में आइटम्स ऐड करनी है वो ऐड करके मिक्सर टू में फाइनल मिक्सिंग होती है, और वहाँ से फिर एग्जिट हम करते हैं। 50-50 kg के बैग हम फिल करके 1 टन फीड निकालते हैं 45 मिनट्स में, तो पूरे ऑपरेशन में 45 मिनट्स में 1 टन फीड निकल जाती है। तो ये इंडियन मेड ही है, अमृतसर से ही असेंबल है। तो ये फीड मार्केट में भी देते हैं या आप अपने फार्म कंजप्शन आपके फार्म के लिए? अच्छा, फार्म के कंजप्शन के लिए दे सकते हो ना, रिटेल सेल के लिए दे सकते हो, वो कभी नहीं रखा हुआ। यही सब तो चीज होती है ना सर, गवर्नमेंट ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, खुद राशन बना के इसमें हमने एनर्जी सोर्स, प्रोटीन सोर्स, फाइबर सोर्स, फॉर्मूला इसमें लगा रखे हैं, ये फॉर्मूला के हिसाब से चल रहा है, कितना डालेंगे देखो इसमें सर, ऐसे है ये मक्की है, जैसे इसमें 450 मक्की, 220 सोयाबीन, राइस पॉलिश है, पर 1000 केजी है,
राइस पॉलिश हो गया 100 किलो, डीआरबी 150 किलो, ये फाइबर। तो सब तरह की मुर्गियों को एक ही जैसा फीड देते हैं? अलग अलग, ये ना ये लिखा हुआ ना ब्रॉयलर सेट, मतलब 0 से 8 हफ्ते तक बच्चे की फीड होगी बारीक वाली, इसमें पत्थर नहीं है। ये 9 से 20 हफ्ते की ग्रोवर फीड, जब वो 21 हफ्ते अंडे पे आ गया तो ब्रीडर फीड। ऐसी बटेर में दो तरह की फीड है, एक स्टार्टर फीड 0 से 4 हफ्ते की, फिर 4 से 8 हफ्ते की। वो फिर आपको अलग अलग बनाना, अलग अलग बनानी पड़ती है, अलग अलग बनती है, उस हिसाब से शेड को डिस्ट्रीब्यूट। सोयाबीन ग्वार रोस्टेड ग्वार कोरमा, देन डीआरबी राइस पॉलिश, पत्थर डीसीपी, मिनरल मिक्सचर, सॉरी पत्थर क्यों डालते हैं? पत्थर उसके शेल कैल्शियम के लिए, जो उसका शेल है वो अच्छा स्ट्रांग बने, कैल्शियम उसका रेशो पत्थर से बढ़िया शेल होता है और ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, मजबूत शेल हो जाएगा। ये बड़े बड़े में डलता है 21 हफ्ते में, तो एक मोटा मोटा सैंपल यही ग्राइंड होता सारा कुछ। तो चलते चलते अब ये हमें बताइए कि मान लो मैंने पोल्ट्री फार्म खोलना है तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, कितनी जगह चाहिए, कितना क्या जानकारी चाहिए हमें? बर्ड में पहले आप होना चाहिए कि एक बर्ड हमारा 1.5 स्क्वायर फीट एरिया लेता है, बड़ा बर्ड। अच्छा, तो 1.5 स्क्वायर फीट एरिया वो बड़े में करते हैं, उसमें हम एरिया के हिसाब से हम लैंड को वो करेंगे, बनाएंगे और पर बर्ड कॉस्टिंग निकालेंगे उसमें। ऑलमोस्ट जैसे अभी फिलहाल आ जाती है 4.5 से 5 रुपए कॉस्टिंग आती है एक बर्ड को तैयार करने में। अच्छा, 6 महीने में। अच्छा, उसके लिए फीडर ड्रिंकर बिजली जो भी चाहिए। तो गवर्नमेंट को सब्सिडी भी देती है इसके लिए? 33% सब्सिडी है गवर्नमेंट की, 1 करोड़ पे 33 लाख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। अच्छा, और कितना एक्सपेंडिचर आ जाता होगा एक बार में खोलने के लिए? एक बर्ड को 4,500 रुपए खर्चा है, तो हम अगर 10,000 बर्ड या रख रहे हैं तो 10,000 बर्ड इंटू 450 करेंगे हम गुना, तो कितना हो गया ये 45 लाख का खर्चा है अगर हम 10,000 की बर्ड की फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए ये अलग से कुछ आ गया उसमें? ये नहीं, ये जो मकान मकून सब आ जाएगा उस बर्ड पे 4,500 खर्चा लग रहा है, मकान से लेके बिजली पानी लेबर। अच्छा, कैलकुलेट कर लिया, इसमें 150 रुपए फीड हो गई, 100 रुपए का मान लो। किसी ने खोलना है तो ये जानकारी हमने डॉक्टर साहब से ली है और आप तक पहुंचाई है। दिन आ जाएंगे। काफी दिनों से जो है ना प्लान बन रहा था, दिसंबर से प्लान था, बहुत ही अच्छा। और अभी हम कर रहे हैं डिपार्चर। थैंक यू।